पुणे में एनडीए कैडेट्स की पासिंग आउट परेड के दौरान नेवी चीफ करमबीर सिंह ने अनोखे अंदाज में कैडेट्स का जोश बढ़ाया। करमबीर सिंह परेड के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने एनडीए के कैडेट्स के साथ पुशअप्स लगाए। एडमिरल करमबीर सिंह की उम्र 61 साल है, लेकिन नए कैडेट्स के साथ जिस तरह से उन्होंने पुशअप्स लगाए, उससे नए कैडेट्स की जो खड़े थे वहां पर, वो हैरान रह गए। जोश हाई है, जज्बा कमाल का है। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने कुछ इस अंदाज में अपने कैडेट्स का हौसला बढ़ाया। वहां मौजूद कैडेट्स में जोश भरने के लिए उन्होंने अचानक ही सभी को पुशअप का चैलेंज दे डाला। कैडेट्स के साथ करमबीर ने जिस तरह पुशअप्स लगाए, उसे देखकर ट्रेनी कैडेट्स भी हैरान रह गए। नेवी चीफ की उम्र करीब 61 साल है, लेकिन इस उम्र में भी उन्होंने नए कैडेट्स को बराबरी की टक्कर दी। ये मौका था नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में 140वें कोर्स के 300 से ज्यादा कैडेट्स की पासिंग आउट परेड का। इस दौरान परेड की सलामी ली उन्होंने और परेड के रिव्यू ऑफिसर और मुख्य अतिथि नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने छात्रों से पूछा, हाउ इज द जोश? इसके बाद एक सुर में आवाज आई। पुणे में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तीनों सैन्य अधिकारियों की शुरुआती ट्रेनिंग होती है। यहां से 3 साल का कोर्स पूरा करने के बाद वे 1 साल के लिए अपनी अपनी एकेडमी में फाइनल ट्रेनिंग लेते हैं। अपने कैडेट्स के साथ पुशअप्स लगाने की तस्वीर उनकी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। हर कोई उनकी लीडरशिप की तारीफ कर रहा है। पुणे दौरे के दौरान एडमिरल करमबीर सिंह हंटर स्क्वाड्रन भी गए। यहां से 41 साल पहले वो एनडीए का कोर्स कर नौसेना में शामिल हुए थे। टीम न्यूज़ नेशन।